सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जिले भर में आज सोमवार को पिचित्रवां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के साथ ही विभिन्न आयोजन किए गए। जिला स्तरीय मुख्य समारोह परंपरागत रूप से शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में मनाया गया, जिसमें अल्पसंख्यक मामलात वफ एवं जन अभियोग निवारण मंत्री साले मोहम्मद ने मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वजा फहराया, परेड निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव, कलेक्टर टीना डाबी व SP भंवर सिंह नाथावत ने जिले भरवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। छात्र छात्राओं ने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया तथा लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भारी मात्रा में शहरवासियों की भीड़ ने कार्यक्रम में भाग लिया। आइए देखते हैं शहीद पूनम स्टेडियम में बनाए गए 75वें स्वतंत्रता दिवस की कार्यक्रम की झलकियां। अर्जुन एवं द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों एवं कोच के लिए स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू की है। इन खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 20,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। सदस्य बाल कल्याण समिति जैसलमेर नवजात शिष्यों के संरक्षण एवं बाल इन्होंने मुश्किलता किताब हासिल किया था, इनको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आवश्री मोहा खान, श्री सिकंदर सिंह संवाददाता। अगला जो नाम है सलीम खान, जो व्यक्तिगत अपने स्तर पर उन्होंने पौधारोपण किया, बहुत बहुत बधाई आपका है। उसके बाद जिसे जीतेंगे और ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं लोकेंद्र सिंह, गोविंद शर्मा और पूरी निष्ठा से कार्य कर आपने इसे